नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जो एग्रीमेंट था उसको खत्म होने की चर्चा हो रही है और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके फैंस में, उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि चलो कुछ तो हुआ कि जो खेसारी लाल यादव हैं उनके समर्थकों में और उनके जो चाहने वालों में खुशी की लहर इसलिए दौड़ गई है क्योंकि जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से उनका एक एग्रीमेंट चल रहा था वो खत्म हो रहा था। और इसको लेकर जो है पहले पवन पांडे ने एक जो है अपना फोटो डाला था और पवन पांडे ने डाला था कि जय माता दी, आज की मुस्कान मेरे लिए खास है क्योंकि इस मुस्कान के पीछे माता रानी की आशीर्वाद, जनता रूपी भगवान का आशीर्वाद और हमारी टीम का ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने खेसारी लाल यादव को और विवेक सिंह को जो है वो टैग भी किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि ब्लू बीट भोजपुरी पर जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के द्वारा स्ट्राइक लगा था वो जो है गाना वापस आ गया। इसके अलावा जो है राइटर अखिलेश कश्यप भी एक पोस्ट डालते हैं कि जियो मेरे हिट मशीन के वीरों, आप सबकी दुआ में ताकत है, आजीवन आप सबका सहयोग याद रहेगा, मिलते हैं कश्यप कहर के साथ। और ये तमाम जो पोस्ट आ चुके हैं उस पर लोगों की नजरें बनी हुई है और लोगों का ये मानना है कि अब सच में जो है वो एग्रीमेंट खत्म हो गया है। हालांकि ऑफिशियली खुलेआम तौर पर इस चीजों को अभी तक नहीं बताया गया है लेकिन इस तरीके की जो पोस्ट और इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इस पर एक बार फिर से सस्पेंस बन गया है और वो सस्पेंस जो है वो पवन पांडे जो खेसारी लाल यादव के लिए गाना लिखते हैं, उन्होंने लिखा है एक पोस्ट के माध्यम से कि जय माता दी, कृपया सभी यूट्यूबर न्यूज वाले भाइयों से निवेदन है कि बिना मामले जाने एग्जिट पोल जैसा न्यूज ना बनाएं। और खेसारी लाल यादव को उन्होंने टैग किया है, यानी कि इस पोस्ट से अब यह अंदाजा लग रहा है कि शायद ये कंफर्मेशन नहीं है या फिर जो भी चीजें हुई है वो सच में नहीं हुई है। खैर, आपको क्या लगता है पवन पांडे ने इस तरीके की प्रतिक्रियाएं क्यों दी है? क्या सच में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जो एग्रीमेंट है वो खत्म नहीं हुआ है? अगर खत्म नहीं हुआ है तो फिर इस तरीके के तमाम लोगों की पोस्ट क्यों आ रहे हैं और जो गाना सारेगामा बुलबुल जो गाना ब्लू बीट भोजपुरी पर वापस आ चुका है और उस गाने पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के द्वारा स्ट्राइक मारा गया था तो आखिरकार क्या वजह है, क्यों ऐसे पोस्ट करना पड़ रहा है? और इससे पहले भी पवन पांडे जो हैं वो अपने ही टीम यानी खेसारी लाल यादव की टीम पर ही प्रमोशन ना करने का आरोप भी लगा चुके हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर बताइएगा कि क्या राय है आपकी और आखिरकार ऐसा मामला जो है क्यों हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए।